हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पुष्कर और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे फिजिकल ज्योग्राफी का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम की। देखिए, अभी तक हमने जितने भी रेड में मांग गए सारे टॉपिक कवर कर लिए। लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एयर मासेस का और इस लेक्चर में हम बात करेंगे जेट स्ट्रीम की। अगर मैं जेट स्ट्रीम बताऊँ सबसे ईजी लैंग्वेज में, तो जेट स्ट्रीम क्या है? जेट स्ट्रीम आर स्ट्रॉन्ग अपर ट्रोपोस्फेरिक फ्लो विच आर क्वासी हॉरिजॉन्टल इन नेचर। देखिए, अब यहाँ पर आपको याद कर रखना है, सबसे पहले जेट स्ट्रीम क्या होते हैं? स्ट्रांग होते हैं। स्ट्रांग मतलब क्या है? इनका जो वॉल्यूम होता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, या इंटेंसिटी बोलूं बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, और ये हमको अपर ट्रोपोस्फेरिक में मिलते हैं। अपर ट्रोपोस्फेरिक से मेरा मतलब क्या है? देखिए, मैंने आपको लेयर्स जब एटमोस्फेयर की पढ़ाई थी तो उसमें चार लेयर्स बताई थी मेजर। सबसे नीचे वाला क्या बताया था? ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर। जो ट्रांजिशनल लेयर है, जो मतलब लेयर इनको डिवाइड करती है, ये थी ट्रोपोपॉज, स्ट्रेटोपॉज और मेसोपॉज। तो अपर ट्रोपोस्फेयर मतलब ये अराउंड ये जो ट्रोपोपॉज का जो इलाका है इसकी बात कर रहा है, यहाँ पे जो हमारी जेट स्ट्रीम में फ्लो होते हैं। और क्या है? क्वासी हॉरिजॉन्टल इन नेचर। क्वासी हॉरिजॉन्टल से मतलब क्या है कि हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होता है? सीधी सीधी लाइन, ये इनको कहते हैं हम हॉरिजॉन्टल। अगर क्वासी हॉरिजॉन्टल की जब बात करते हैं तो ये इनका जो फ्लो होता है ये कुछ इस तरीके का होता है, ये वाला, ये जो फ्लो बना रहा हूँ इसको कहते हैं क्वासी हॉरिजॉन्टल इन नेचर। ठीक है, आई होप दिस डेफिनेशन इज क्लियर टू यू। अगर जेट स्ट्रीम पे कोई भी क्वेश्चन आता है तो ये 20 से 25 वर्ड आप लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब अगर ओरिजिन की बात करें तो ये इनका ओरिजिन होता है ड्यू टू द डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ द सर्फेस। मतलब क्या है कि आपको पता होगा जो हमारे अर्थ का अलग अलग जो सर्फेस है उनका जो टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये थर्मल डिफरेंस है, वो अलग अलग होता है। एग्जाम्पल बताऊं, इक्वेटर पे जो गर्मी होगी वो ज्यादा होगी बजाय पोलर एरिया के, क्योंकि पोलर एरिया में क्या होता है कि जो सन की रेज ज्यादातर रिफ्लेक्ट बैक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है सरफेस गर्म ही नहीं हो पाता। अब इक्वेटर पे क्या है, हमारी ज्यादातर क्या देखने मिलती है? जमीन। जमीन तो ऑब्जॉर्ब करती हीट को, तो जो गर्मी होगी रिलेटिवली इससे अलग होगी पोलर एरिया से। तो मतलब क्या है, इनका ओरिजिन जो हमारा थर्मल डिफरेंस होता है सरफेस का, उसके हिसाब से ये इनका ओरिजिनेशन डिसाइड होता है। अब क्या होता है, दे फॉर्म एट द बाउंड्रीज ऑफ एडजस्टेंट एयर मास विद द सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टेम्परेचर। देखिए, हमने लास्ट लेक्चर में बात किया था डिफरेंट एयर मास की, और हमने बात किया था जो एयर मास है उनका जो टेम्परेचर है वो भी डिफरेंट होता है। तो मतलब क्या है, जेट स्ट्रीम होते हैं जहां जहां पे हमारा टेम्परेचर वेरिएशन या टेम्परेचर जो अलग होता है जहां पे देखने मिलता है वहीं पे ये ओरिजिनेट होते हैं। अब देखेंगे आगे कहां कहां होता है ये। देखिए, अगर हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे पहला क्या होता है कि ये जो जेट स्ट्रीम होते हैं, द सर्कुलेशन ऑफ जेट स्ट्रीम फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट। अब आपको पता होगा जो हमारा अर्थ है, जब मैं रोटेशन और रेवोल्यूशन पढ़ा रहा था तो आपको याद होगा जो हमारा अर्थ है वो कहाँ से, मैंने बताया था जो हमारा अर्थ है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। तो ये जेट स्ट्रीम का जो रोटेशन का है वो भी हमारे क्या होता है, वेस्ट टू ईस्ट। और ये जनरली ऑब्जर्व करे जाते हैं हमारे पोल्स एरिया में और 20 डिग्री लैटिट्यूड इन बोथ द हेमिस्फीयर। क्लियर हो गया। और इसी को हम सर्कमपोलर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो जेट स्ट्रीम है हमको पोलर एरिया में मिलते हैं दोनों हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गया। चलिए, हमारे जो जेट स्ट्रीम होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, सबसे पहला सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और दूसरा पोलर जेट स्ट्रीम। अभी के लिए बस ये दिमाग में पिक्चर बैठाओ कि कहाँ कहाँ हमको देखने मिलता है और क्या क्या होता है, आगे मैं सब चीज एक्सप्लेन करूंगा। देखिए, अगर मैं दिखाने की कोशिश करूं, देखिए ये हमारा मान लीजिए अर्थ है और ये रोटेट कैसे करते हैं, ये जो जेट स्ट्रीम होते हैं फ्लो कैसे होते हैं। ये मान लीजिए हमारा अर्थ है और ये मान लीजिए नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल, ये दोनों इलाकों में होते हैं, नॉर्थ में भी होते हैं साउथ में भी होते हैं। ये हमारे जो अर्थ पे कुछ इस तरीके से फ्लो होते हैं, ये हमारा पोलर जेट स्ट्रीम है और ये हमारा सब ट्रॉपिकल है। ये आगे हम पढ़ेंगे ये होते क्या है, अभी के लिए बस ये दिमाग में बैठा लो कि ये जो सब ट्रॉपिकल है ये हमारे सब ट्रॉपिकल रीजन में फ्लो होता है और जो पोलर वाले होते हैं ये हमारे सब पोलर या पोलर एरिया में वो फॉर्म होते हैं। मतलब अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन बताने की करूँ तो मिड लैटिट्यूड जो होते हैं जहाँ पे हमारी सब पोलर वाली बेल्ट थी, याद करिए जब मैंने बेल्ट पढ़ाई थी आपको, प्रेशर बेल्ट, तो याद करिए मैंने जो सब पोलर बेल्ट पढ़ाई थी वहीं पे हमको ये देखने मिलती है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ ये फॉर्म, वही वाला जो कंडीशन याद कीजिए, टेम्परेचर वेरिएशन जहाँ पे हमको देखने मिलेगा वहीं पे ये फॉर्म होगी। अब देखिए, यहाँ पे जो सब पोलर एरिया है यहाँ पे क्या होता है, विंड कन्वर्जेंस होता है, जिसकी वजह से क्या होता है टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है वो देखने मिलता है। ठीक है, जिसकी वजह से पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है वो यहाँ पे फॉर्म होती है।
और यहाँ पे क्यों होती है सब ट्रॉपिकल हाई पे, क्यों? क्योंकि यहाँ का टेम्परेचर होता है रिलेटिवली कोल्ड होता है और यहाँ का होता है वार्म, तो टेम्परेचर वेरिएशन या टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से क्या होता है जो हमारा सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर पे भी जो जेट स्ट्रीम में वो फॉर्म होती है। क्लियर हो गया? देखिए दोबारा देख लीजिए, ये रहा हमारा जस्ट सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम और ये रहा हमारा पोलर जेट स्ट्रीम। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए करेक्टर क्या होता है। सबसे पहले इनका जो फ्लो होता है, ये सर्कुलेशन होता है, ये वेवी होता है और मैंडरिंग होता है। मैंडरिंग मतलब क्या होता है, आपने कभी देखा है जो सांप जैसे चलता है उसको कहते हैं मैंडरिंग। तो मतलब क्या होता है, इनका जो फ्लो होता है ये मैंडरिंग होता है और बहुत ज्यादा वेवी होता है। अगर हम फिगर ए को देखें, जो फिगर है ये बहुत ज्यादा हाई वेलोसिटी दिखाता है, जिसकी वजह से क्या होता है जो इनका फ्लो होता है ये कुछ इस तरीके से होता है, क्योंकि जो इनका वॉल्यूम होता है बहुत ज्यादा हाई है। जो हमारी वॉल्यूम है बहुत ज्यादा लो होगी तो इसका जो फ्लो है वो ऐसे फ्लो होगा। क्लियर हो गया? जो अगर आप एरिया देखें, अगर एरिया कवर देखें, तो ये जो ज्यादा वेलोसिटी वाला होता है ये थोड़ा कम एरिया कवर करता है, बट जिसकी जो वेलोसिटी होती है वो कम होती है ये थोड़ा ज्यादा एरिया कवर करते हैं। देख लीजिए आप, ये जो सी वाला डायग्राम है ये थोड़ा ज्यादा एरिया कवर कर रहा है। तो यही चीज आपको याद रखनी है इसमें, इस स्लाइड में से आपको याद क्या रखनी है, सबसे पहले जेट स्ट्रीम का जो करेक्टर होता है ये बहुत ज्यादा वेवी होते हैं और मैंडरिंग इनका फ्लो होता है। जो दो तरीके के हमारे जो वेलोसिटी होती है, दो होती है, जब हमारी वेलोसिटी हाई होगी स्ट्रीम होगा ये थोड़ा फैला हुआ होगा, जब हमारी वेलोसिटी कम होगी तो इसका जो फ्लो होगा थोड़ा ज्यादा फैला हुआ देखने मिलेगा, जैसे इस डायग्राम सी में हमको डिपिक्ट किया हुआ है। अब देखिए और करेक्टरिस्टिक की बात करें, दे एक्सटेंड द एक्सटेंट ऑफ जेट स्ट्रीम नैरो डाउन ड्यूरिंग समर बिकॉज ऑफ देयर नॉर्थवर्ड शिफ्टिंग और दे मे रेंज फ्रॉम 40 किलोमीटर विद एंड टू टू थ्री किलोमीटर डेप्थ। अब इसको समझिए, देखिए मान लीजिए मैंने विद मतलब क्या होता है इसकी चौड़ाई और डेप्थ मतलब क्या होता है जो डेप्थ गहराई। अब इसको अगर मैं विद की दिखाने की कोशिश करूँ, मान लीजिए ये हमारा एक हवा का टुकड़ा है और इसकी जो चौड़ाई है मान लीजिए 40 किलोमीटर है। अब ये तो मैंने सामने से दिखाया है इसका पिक्चर, अगर मैं इसी पिक्चर को साइड से ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो ये थोड़ा कुछ ऐसे होगा। अब मान लीजिए ये इसकी जो चौड़ाई है ये कितने है 40 किलोमीटर की है। अब मान लीजिए ये वाला क्या है हमारा सरफेस और यहाँ से ये फ्लो हो रही है। अब इसकी जो डेप्थ है ये है 2 से लेकर 3 किलोमीटर और मैंने आपको याद करिए ये फ्लो कैसे होते हैं मैंडरिंग पोजिशन में, तो ये फ्लो कैसे होगी कुछ ऐसे डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो मतलब यही जो ये हवाएं बनी है, ये हवा का टुकड़ा बना है, ये कुछ ऐसे आगे फ्लो होने वाला है। तो मतलब समझ गए, इसकी जो चौड़ाई होती है अराउंड 40 किलोमीटर की होती है और जो डेप्थ होती है वो 2 से 3 किलोमीटर तक होती है सरफेस से हमारे। क्लियर हो गया? चलिए, द एवरेज विंड स्पीड इज वेरी हाई विद द लोअर लिमिट ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर इन द विंटर एंड 50 किलोमीटर पर आवर इन समर। मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी ठंड बढ़ती रहेगी तो इनकी जो विंड की इंटेंसिटी है ये बढ़ जाएगी। एग्जाम्पल दे रखा है, जो विंटर में इनकी इंटेंसिटी क्या हो जाती है या स्पीड क्या हो जाती है 120 किलोमीटर पर आवर, वहीं जो अगर विंटर में के देखें इनकी जो स्पीड है वो घटकर हो जाती है 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो गया? मतलब क्या है कि जैसे जैसे हमारा सीजन चेंज हो रहा है जो जेट स्ट्रीम की इंटेंसिटी है ये घटती या बढ़ती रहती है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए, जेट स्ट्रीम हमारे दो टाइप के होते हैं, मैं जो आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक होता है पोलर या मिड लैटिट्यूड जेट स्ट्रीम और दूसरा होता है सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। अगर इसको अगर सिंबल से डिनोट करना चाहूँ मैं तो इसको हम अब से यही बोलेंगे STJS, ठीक है, मतलब सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, और इसको बोलूंगा मैं PFJS, मतलब पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम। ठीक है, तो यही सिंबल भी होते हैं। अगर ज्योग्राफी में आपको कभी PCS वगैरह में अगर ऐसे पूछेंगे तो पूछेंगे कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया? और ये दोनों ये होता है मिड लैटिट्यूड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जब मैं आपको प्रेशर बेल्ट पढ़ा रहा था तब मैंने आपको बताया था मिड लैटिट्यूड किसको कहते हैं, जो सब पोलर एरिया होता है हमारा उसको कहते हैं मिड लैटिट्यूड। क्लियर हो गया? या और भी स्पेसिफिकली बताऊं, मान लीजिए हमारा इक्वेटर, ये हमारा अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये मान लीजिए 35 है, इससे ये 90 है, इसके आगे जो भी हमारा इलाका होगा 35 से आगे वो सारा हमारा मिड लैटिट्यूड में आता है। क्लियर हो गया? चलिए अब देखिए एक बार मैं फिर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो हमारे जेट स्ट्रीम होते हैं ये हमारे अर्थ से थोड़ा ऊपर में फ्लो होते हैं, क्योंकि डेप्थ होती है या तो सरफेस से 2-3 किलोमीटर ऊपर ही ये घूमते रहते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो ये सरफेस पे नहीं घूमते, ये सरफेस से ऊपर घूमते रहते हैं और इनका एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, अपर ट्रोपोस्फेयर या लोअर स्ट्रेटोस्फेयर। क्लियर हो गया? चलिए
और दोस्त होते हैं ये सब ट्रॉपिकल और पोलर जस्ट्रीम। क्लियर हो गया, बस यही चीज आपको दिमाग में बैठानी है। चलिए अब सब ट्रॉपिकल के बारे में बात करें, तो सब ट्रॉपिकल जस्ट्रीम ये मूव करते हैं अपर ट्रोपोस्फेयर में, ये मूव करते हैं नॉर्थ ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट इन द बोथ हेमिस्फीयर। अगर लैटिट्यूडनल पोजिशन की बात करूँ तो 30 से 35। इसको अगर मैं डायग्राम के थ्रू समझाऊं तो देखिए, ये था हमारा जो हॉर्स लैटिट्यूड जिसके मैंने बात करी थी, ये रहा 30 से 35। ये वाला जो मेंशन है ये इसमें फ्लो करते हैं सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये जो बेल्ट में डिनोट कर रहा हूँ डायग्राम में। अगर सर्कुलेशन की बात कराऊँ बताऊँ तो ये होते हैं वेस्ट टू ईस्ट, जैसे हमारा अर्थ रोटेट करता है वेस्ट टू ईस्ट, और ये बहुत ज़्यादा रेगुलर होते हैं। अगर पोलर की बात करूँ तो ये मतलब ज़्यादा रेगुलर नहीं होते, ये इरेगुलर होते हैं, बट जो हमारे सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम होते हैं ये दे आर मोर रेगुलर देन पोलर फ्रंट। ठीक है, अगर इट प्रोसेस थ्रू द मोस्ट ऑफ टाइम इन द ईयर, ये मतलब ईयर के ज़्यादातर टाइम प्रोसेस रहते हैं। इट प्रोड्यूसेस बाय द रोटेशन ऑफ द अर्थ, और ये प्रोड्यूस होते हैं हमारी जैसे जैसे हमारी अर्थ रोटेट करती रहेगी, ये जो जेट स्ट्रीम है ये फ्लो करते रहेंगे। मतलब क्या है, जैसे जैसे हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती रहेगी, ये जो जेट स्ट्रीम का फ्लो है वो बना रहेगा हमारे अर्थ पे दोनों हेमिस्फेयर में। क्लियर हो रहा है नहीं हो रहा? चलिए अगर पोलर फ्रंट की बात करूँ तो ये फॉर्म होते हैं कन्वर्जेंस की वजह से, मैंने बताया था आपको, जहाँ पे पोलर ईस्टर्ली और वेस्टर्ली कन्वर्ज होते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है जो पोलर फ्रंट जो जेट स्ट्रीम होती है वो ओरिजिनेट होती है, और इनका जो लैटिट्यूडनल पोजिशन होता है 40 से 60 डिग्री लैटिट्यूड होता है, और द सर्फेस ऑफ पोलर कोल्ड एयर मास इन द ट्रॉपिकल वार्म एयर मास। मतलब क्या है कि पोलर कोल्ड एयर और ट्रॉपिकल वार्म एयर जब कन्वर्ज होती है तो ये पोलर फ्रंट जेट स्ट्रीम है उसकी वजह से ओरिजिनेट होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो जेट स्ट्रीम होते हैं वो थर्मल डिफरेंस या टेम्परेचर डिफरेंसेस की वजह से ओरिजिनेट होते हैं। द थर्मल ग्रेडियंट इज स्टीपेंड बिकॉज ऑफ द कन्वर्जेंस ऑफ टू कंट्रास्टिंग एयर मास, दीज मूव इन ईस्टर्ली डायरेक्शन। और ये जो पोलर जेट स्ट्रीम होते हैं ये ईस्टर्ली में डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। इट हैज मोर वेरिएबल पोजिशन इन द सब ट्रॉपिकल जेट। क्लियर हो गया? चलिए अब सिग्निफिकेंस की बात करें, देखिए अगर मैं जेट स्ट्रीम की बात करूँ तो ज्योग्राफर्स ने आज भी हमारे जो ज्योग्राफर्स हैं वो अच्छे से डेसिफर नहीं कर पाए हैं कि जेट स्ट्रीम एक्चुअली क्या होते हैं। मतलब रिसर्च अभी भी चल रही है, रिलेशनशिप होते हैं हमारे टेम्परेट साइक्लोन की और जेट स्ट्रीम की, उसमें बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप देखने मिलता है। जब मैं आपको टेम्परेट साइक्लोन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि जो जेट स्ट्रीम होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। मतलब जेट स्ट्रीम बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करते हैं हमारे टेम्परेट साइक्लोन में, कैसे इफेक्ट करते हैं या कैसे इम्पैक्ट डालते हैं वो हम आगे जब हम टेम्परेट साइक्लोन पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको। देखिए जो हमारा मानसून होता है उसमें भी बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है। कौन? मैंने आपको बताया भी था एयर मास और जेट स्ट्रीम कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे मानसून में। ठीक है, जो साउथ एशियन मानसून होता है उसमें कैसे कैसे इफेक्ट डालते हैं या कैसे कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, जब हम इंडियन मानसून पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊँगा कि जेट स्ट्रीम या एयर मास का क्या रोल होता है हमारे मॉनसून को लेके आने में। बस अभी के लिए दिमाग में पॉइंट बैठाओ कि जेट स्ट्रीम का सिग्निफिकेंस क्या क्या है। सबसे पहला क्या है, टेम्परेट साइक्लोन में हेल्प करता है, दूसरा साउथ एशियन मॉनसून में बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करता है या कंट्रोल करता है, तीसरा क्या है जो एल नीनो और ला नीनो है फिनोमेना है उसमें भी जेट स्ट्रीम का बहुत ज़्यादा रोल है। ठीक है, अगर जेट स्ट्रीम अगर हम ना समझते तो जो एल नीनो का फिनोमेना है वो भी शायद हम अच्छे से ना समझ पाते। क्लियर हो गया? और लास्ट है हमारा जो एविएशन सेक्टर है उसमें भी हेल्प करता है कि एरोप्लेन है वो किस डायरेक्शन में फ्लो होने चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए ये हमारा इस तरफ से जेट स्ट्रीम जा रहा है तो हमारा जो एरोप्लेन है इसी के डायरेक्शन में फ्लो होना चाहिए। अगर इस तरफ से हमारा फ्लो होने लगेगा तो ये बम्पी फ्लाइट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि जो हमारी फ्लाइट है उस मतलब फ्लाई करने में जेट स्ट्रीम को या जेट्स को बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो इसी वजह से क्या होता है जो हमारा एविएशन सेक्टर रहता है उसमें भी जेट स्ट्रीम हमको हेल्प करता है। क्लियर हो गया? तो ये थे आज का हमारा लेक्चर। अगर लेक्चर आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अगर कोई भी डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।